मैं तुम्हारी मदद करूंगा बेटा, मैं तुम्हें अभी एक जादू का शेर बना देता हूँ। जादू का शेर? हाँ, और मेरी बेटी नैना जो है वो बंगाल में जादू सीख रही है, मैं तुम्हें उसके पास भेजता हूँ और तुम्हारे गले में एक पत्र लटका दूंगा, वो पत्र पढ़कर जान जाएगा। जाओ, ओ तुम्हारी मदद करेगी। जाओ जाओ। हेलो, एक विशेष सूचना है भैया, जिसको जाना है चंदौर वाले, भद्दौर वाले, भद्दौर वाले भैया वो जा सकते हैं क्योंकि नायब जा रही है, ठीक है, ठेकेदार साहब गए, ये 30 रुपये हमें इससे लेना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, तो शरीर बंगाल देश, बंगाल देश के महाराज दिलीप सिंह का दरबार, उसके पहले नाना और सिनेमा बंगाल देश में जादू सीखने गए हैं, जादू सीख रही है और चमन की तरफ सैर करने के लिए निकले नाना और सुनाना बंगाल देश। बाबा जी की बगिया रे सावन का झूला झूला, बंगाल देश भेज दिया है। खबर ही विदेश, तुम आसमान में रहोगे, जमीन में रहोगे, पाताल में रहोगे, हम तुझे ढूंढ निकालूंगा, मैं तेरे पीछे बंगाल देश आ रहा हूं, ब्रजेश बंगाल देश। बंगाल देश का तरबेल ले रहा है, हाँ घर भरवाइएगा, वही राजकुमार प्रदेश जादू के शेर बंगाल देश की तरफ जा रहा है, जादू का शेर इधर नया और सुनाना सबल में गीत गा रही है। Yeah.
एक खट्टा हुआ है उसे निकालो और खा मेरे पेट में मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं कहेगा, बोला ना जादू का शेर है। अरे निकाल, आप देखो माचिस भी लिए है। वाह अपनी रक्षा करता माचिस। अरे बहन इसमें लिखा है प्यारी बेटी मैं ना, ये जो शेर है इसमें अपने राजा की, अपने देश की राजा की आत्मा बसी हुई है। हाँ, और इनकी महारानी ने इनके साथ धोखा किया। महाराज जी है। हाँ, और इनकी महारानी ने धोखा किया, वो एक जादूगर से प्यार कर बैठी और इनकी जान की दुश्मन बन बैठी है बहन। और कहा है कि इन्हें कुछ दिन के लिए अपने पास कुटिया में रखो और इनकी रक्षा करो, इन्हें भोजन खिलाओ। अच्छा अच्छा, देखो बहन जो इनकी गले में माला है वो माला निकाल के गुड़िया निकाल लेती हूँ तो ये इंसान के रूम में आ जाएंगे। चलो फिर निकाल। चलो 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 महाराज जी चलो। हाँ, उधर देखिएगा बंगाल देश के जो महाराज दिलीप सिंह है उनका दरबार लग रहा है। दरबार के सेना तक पहुंच रहे हैं जिनका नाम सेना तक दर्जन सिंह। महाराज दिलीप सिंह का दरबार बंगाल देश में मेरी पना को कोई तकलीफ तो नहीं है। महाराज सारी जगह आपके नाम के उधर तब तक जादूगर करण सिंह वहां पर पहुंचा। जादूगर करण सिंह करण सिंह तुम जादूगर हो, तुम्हारा नाम रूपेश है। हाँ महाराज, मैं कलकत्ते से यहाँ आया हूँ, आपका नाम बहुत सुना है। ठीक है जादूगर रूपेश, यदि तुम जादूगर हो तो आज तुम इसी वक्त मेरे दरबार में अपने जादू का खेला दिखाओगे। यदि मैं खुश हो गया तो मैं तेरा त्रिची है, जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। महाराज इस दरबार में मैं अपना जादू नहीं दिखाऊंगा, यहाँ कोई आदमी ही नहीं है तो कैसा जादू दिखाए। ठीक है महाराज, आज मैं जादू नहीं दिखा सकता हूँ, जादू दिखाऊंगा तो मैं परसों दिखाऊंगा। परसों आप पूरी रियासत में ऐलान करवा दू, कलकत्ते से एक बहुत बड़ा जादूगर आया है और वो अपना जादू परसों बड़े वाले मैदान में चालू करेगा। तुमने सुना पूरे बांग्लादेश में ऐलान करवा दो कि परसों जादू का फेरा देखने बड़े वाले मैदान में लोग आएंगे, क्योंकि जादू का रूपेश अपने जादू का फेरा दिखाएगा। हम इसी बात अभी करवाते हैं। ठीक है, लेकिन जादूगर रूपेश के लिए रहने का कमरा बता दें और भोजन की व्यवस्था अच्छी अच्छी होनी चाहिए। जादूगर
रूपेश अपना जादू का खेला दिखाएगा। क्या देख करेक्शन ना क्या? हमने मैंने आपने तुमने को सलूट मारा था। ये क्या है? हमने मारे कहीं? सेनापति जी। सेनापति। हाँ सेनापति जी। सेनापति जी। मेरे नेता आदेश। आदेश? पूरी रियासत बयान कर दो कि जादूगर एक बहुत बड़ा आया हुआ है और परसों आया हुआ है। क्या चीज? आया हुआ जादूगर दरबार के अंदर आया है और अपना खेल दिखाना चाहता है। ठीक है ठीक है। पूरी रियासत के आदमी जादूगर के खेल को देख सकते हैं। क्या चीज? क्या दिखाओ? अरे यार नया नया है, हमें क्या मालूम? वासे अच्छा जादू तो हम दिखाए। क्या? वासे अच्छा जादू हम दिखा दी। कब सही कह रहे हो भंडारी? सही कह रहे हो। कैसा जादू जादू? सही कह रहे हो। अरे मैं भाखा गंगाल में रहता हूँ। भाखा गंगाल है ले भैया। क्या तू वास्तव में धर्म जानता है? अरे बंगाली भाषा सुना दू आपको? सुना सुना। आगड़ तो नहीं था तो गाली दे रहा क्या? रहा है सब ठीक ठाक है। बंगाल वादे में बारह से बारह बजे अपने यहाँ के सब ठीक ठाक है। अरे बैठम ना मार नहीं रहा जादू लड़ी। आए क्या है? ये तो लकड़ी है। ये लकड़ी नहीं है गधे। सब क्या है? ये माचिस की कांटी है। ये जादू की छड़ी जिसको हम जादू की छड़ी बोलते हैं। जादू की छड़ी है? हाँ और आगे खुचो जाओ। ये आज जादू की छड़ी हमारी बोले थे कि आपने सुबह से शाम तक क्या खाया है ये बताएगी। ये बताएगी बोलो खाए तो है लकड़ी है। ऐसे इसको हाथ में रखो धनिया रखो तुम्हारे जादू की छड़ी को कहा हाथ में रखो। और पीछे हाथ आप मुठा वालो मुठा वालो। अब इसको खोलना नहीं नहीं जादू तुम्हारी गांड हो जाए। जैसे खोलो गिरबो चट से मर जाओगे। अरे भाई को मर जाओगे। भाई को ना मर जाओगे मर जाओगे। अब जादू तुम्हारे हला था कहता ना सुराख है सब मजाक हुए बहा दिया शिक्षिका त्याग नहीं। अब देखिए मैं मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ भाई साहब इनको एक्शन बता देना। हाँ एक्शन ऐसे बताएंगे तो ये। हाँ ऐसे ऐसे करना। देखिए हमारी तरफ ऐसे ऐसे करना। तब लकड़ी बोलेगी। जब उनके पास लकड़ी आएगी सब बोलेंगे। हाँ और ठुमरी आवाज में बोलना। ठुमरी आवाज में उससे पूछना जैसे मैं बताऊंगा वैसे है। ये क्या कौन सी आवाज है? ठुमरी आवाज नहीं जानते क्या है? अभी हम बता रहे हैं भैया रुकिए आप बजाइएगा नहीं है। पहले तो मंत्र पढ़ूंगा ठीक है। आप बोलिए हटिए चाल मेरी काली कलकत्ते वाली मेरा बचन न जाए खाली। ऐ मेरी जादू की छड़ी तू हाथ में आई बता दे ये सुबह से शाम तक इन्हें क्या खन्ने है। ये कौन सी भाषा है? बंगाली भाषा। आपने क्या खाया है ये बात इन्हें
अब चलिए हम मंत्र पढ़ चुके हैं, हैं? अब उससे पूछिए ऐसे करो ठुमरिया ये ठुमरिया वाले ब्रह्मानंदी में आज मैंने क्या खाया ऐसा पूछो हेलो आज मैंने क्या नहीं बोली आपके जुबान में गोबर भरा है अरे क्या फेंक दोगे गिरोगे मर जाओगे हैं अरे स्वर में बोलो ना स्वर अगर मुंह से नहीं निकलता तो नीचे से तो निकालो हैं ऐसे आज मैंने क्या खाया आज मैंने क्या खाया नहीं बोल रही एक बार और है तीन बार में बोलेगी ना आज मैंने क्या खाया आज मैंने क्या खाया आज तूने नमरा इस मुनादी को नाना सुने नाने सुना अरे बहन हाँ बहन कुछ सुना हाँ कुछ सुना रात दरबार में कल जादूगर आ रहा है वो अच्छी अच्छी जादू दिखाएगा बंगाल देश का बंगाल देश हाँ बहन चल के देखा जाए कैसा जादू दिखाता है जादू तुम्हें मालूम है जादू मुझे मालूम है और चल के देखती हूँ कौन सा जादू दिखाता है चलो ठीक है ठीक है ठीक है ओए आई जवानी मेरी चुनरिया सर से सर की जा खत्म हो गया तो क्या करो सच में कह रही चलो हाँ